अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका रिजवान लगर। कैसे आप लोग? आज एक नया ब्लॉग लुलू मॉल का ब्लॉग ऑलरेडी मैं डाल दिया, पर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरा अपन घूम के फिर लिए थे। अब ये लास्ट में जो है अपने को नीचे सेक्शन है, नीचे जो है अपने को फ्रेश मार्केट है, उसका ब्लॉग बना के डाल दे रहा हूँ। तो गाइस देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे ये लुलू मॉल का जो है नीचे का सेक्शन है। नीचे लुलू मॉल में आपको जो है फ्रेश मार्केट है। फ्रेश मार्केट में आपको मच्छी, चिकन, तरकारी, फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे स्वीट्स है, बेकरी है और डीप फ्रीजिंग आइटम्स वगैरह भी अपने को मिल जाते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे आप अब तक नहीं देखे होंगे, वैसे पूरे चीज़ें मिल जाते हैं आपको लुलू मॉल फ्रेश मार्केट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ की ख़ासियत ये है, यहाँ पे आपको स्वीट्स में दो किस्म के स्वीट्स है, अरेबियन स्वीट्स एंड इंडियन स्वीट्स। और जो है सो आपको अरेबियन स्वीट्स क्यों आए यहाँ पे बोले तो लुलू मॉल जो है ना इंटरनेशनल मॉल है। ये लुलू मॉल इंटरनेशनल मॉल रहने की वजह से अपने को हर चीज़ जो है इंटरनेशनल चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। मच्छी वगैरह फ्रेश मच्छी मिल रही है अपने को, बेहतरीन ज़बरदस्त पैकिंग में जो है मच्छी मिल रही। प्राइजेस तो आपको बाहर और जो है सो लुलू मॉल में जो है सेम प्राइजेस है, ज़्यादा महंगा नहीं है, मीडियम प्राइजेस ही है। और जो आपको मीट है जैसे कि चिकन है, प्रॉन्स है, हर चीज़ अलग अलग आपको बोटी वगैरह हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे। फ्रेश रहता एकदम, हाइजीन रहता आपको मटन में चॉप्स वगैरह, और जो सो मटन खीमा, मटन लेग पीसेस, मटन बोनलेस, मटन जो है आपको रेडी टू कुक, बहुत सारे चीज़ें जो है अपने को मिल जाते। ये डब्बों में छोटे छोटे फिशेस वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे, ये भी सेल पे है नीचे फ्रेश मार्केट में। बहुत सारे चीज़ें हैं आपको, आगे चल के और भी चीज़ें हैं बता तो मैं। चलिए ग्राउंड सेक्शन में आपको बेकरी में अगर आ गए अपन, बेकरी में तो हज़ारों की वेराइटी है। स्टार्टिंग जो है अपने को 75, 85 रुपीज़ से लेकर आपको 2000 तक भी है। अपने को जो चाहिए वो ले सकते। फ्रेश मिल्क, ब्रेड, डोनेट्स, स्वीट बंस और जो है सो बहुत सारे चीज़ें हैं। हर किसी के ऊपर जो है रेट्स वगैरह लगा के रखे हुए रहते, लेबल वगैरह। एक चीज़ है यहाँ पे खा नहीं सकते आप, यहाँ से ख़रीद के फोर्थ फ्लोर पे बैठ के खा सकते हैं आप, फोर्थ फ्लोर पे ही जाके खाना पड़ता आपको। केक्स वगैरह है, केक्स के प्राइजेस भी एज इट इज़ अपने को पिस्ता हाउस में जो रेट रहता 1 किलो 2 किलो केक के प्राइजेस वगैरह भी रहते। टेस्ट तो एकदम टेस्ट ज़बरदस्त है, टेस्ट वगैरह बहुत सारे लोग ले के फोर्थ फ्लोर पे बैठ के खा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे जो है छोटे कुकीज़ वगैरह भी है अपने को बेकरी में, बहुत सारे चीज़ें हैं अपने को कुकीज़ वगैरह, और जैसे केक्स, रेड वेलवेट, ब्लैक फॉरेस्ट, चॉकलेट एंड बटर स्कॉच, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं अपने को। प्राइजेस वगैरह भी है, वनीला केक, आलमंड केक, स्लाइसेस वगैरह भी आपको अलग अलग मिल जा रहे हैं यहाँ पे। एग पफ, चिकन पफ वगैरह भी मिल जाते और उसके प्राइजेस वगैरह भी है। एकदम हाइजीन है और जो है सो अपने को एकदम नीटनेस वेल मेंटेन है। अभी तो मैं सुबह सुबह व्लॉग बनाने को गया, कोई भी पब्लिक वगैरह नहीं थी वहाँ पर। अगर वही दोपहर में अपन चले गए इतना भी वीडियो नहीं ले सकते। एक्चुअली क्या है यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं सुबह सुबह चले गया, जाके व्लॉग बना लिया। फिर भी दो तीन वक्त मैनेजर आके अपने को वार्न करा वीडियो नहीं बनाना यहाँ पे, बोले तो भी आप लोगों के लिए जाके वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ।
तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त आइटम्स वगैरह, नए नए आइटम्स थे पूरे यहाँ पे। ये बेकरी सेक्शन है, स्वीट्स है, कोकोनट बिस्किट्स वगैरह है, बिस्किट्स में भी बहुत सारी वैरायटी है। स्वीट्स अभी बताया मैं आपको, अरेबियन स्वीट्स है, इंडियन स्वीट्स वगैरह दोनों भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी बिस्किट्स वगैरह 89 रुपीस है। वेल मेंटेन्ड है, पैकिंग वगैरह एकदम हाइजीन पैकिंग है, ट्रांसपेरेंट पैकिंग रहता है, आपको अंदर जो चीज़ है बाहर वो अपने को खुद ब खुद सामने दिखाई दे जाती। और ये लेफ्ट साइड में स्वीट्स में भी है, और आगे आपको वेज नॉन वेज काउंटर्स वगैरह भी है, वहाँ पे अपन ख़रीद के लेके जा सकते हैं रेडीमेड, जैसे कि अपने को चिकन करीस, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, और जो है सो अपने को मोमोस वगैरह भी मिल जाते। ये देखिए, अरेबियन स्वीट्स में अपने को जो है कुनाफा और बहुत सारे ऐसे स्वीट्स है, अपने को मालूम ही नहीं है लोगों के नाम नेम्स वगैरह। बखलावा है, एक ग्रीन स्वीट कौन सा है कि क्या नामा नहीं मालूम अपने को। माशाल्लाह से ज़बरदस्त थे स्वीट्स वगैरह, तो देख के परेशान हो जाना। नए नए मॉडल के स्वीट्स है, अरेबियन स्वीट्स है ये पूरे, और प्राइजेस वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव था थोड़ा। ये 350 रुपीस का जो है अपने को 250 ग्राम्स था ये अरेबियन स्वीट का। ये देखिए, काउंटर्स है अपने को, वेज वेज काउंटर है, नॉन वेज है। वेज में आपको रोल्स, पनीर बटर मसाला, वेज करीस, वेज बिरयानी, और जो सो अपने को पूरा वेज ही मिलेगा यहाँ पे। करीस वगैरह है, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं अपने को, करीस वगैरह मिल जाते। और जो है सो ये पूरा वेजिटेरियन है, वेज काउंटर है यहाँ पे, और पर पीस के हिसाब से रहता आपको। अब ये स्वीट्स है अपने को, इंडियन स्वीट में हलवा वगैरह है, मुंबई हलवा, इसमें मल्टी कलर हलवा वगैरह था ये अपने को। हलवा तो अपन खा लेते, मगर ये टेस्ट करके भी बता ना, हमें टेस्ट भी कर सकते अपन, बहुत अच्छा है गाइस, टेस्ट वगैरह भी अच्छा है, फ्रेश है एकदम। और आपको बॉक्सेस में जो है 99 140 रुपीस में एक बॉक्स है आपको 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स आपको 140 रुपीस, 120 रुपीस, 170 रुपीस, ऐसे अलग अलग प्राइजेस वगैरह है इसमें। तो गाइस ये देख रहे ना अपने को, किचन किचन में नॉनवेज सेक्शन है, नॉनवेज में फ़िश मिलेगा, प्रॉन्स है, ग्रिल चिकन, फ्राइड चिकन, और जो है सो अपने को ब्रॉस्टेड चिकन पीसेस, चिकन विंग पीसेस, चिकन लेग पीसेस वगैरह हर चीज़ मिलेंगी यहाँ पे। हैदराबादी ज़ाफ़रानी मटन बिरयानी, हैदराबादी ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी, फ़िश पीसेस, प्रॉन्स मोमोस, वेज मोमोस तो बाजू में मिलेंगे यहाँ पे, नॉन वेज में चिकन मोमोस, तंदूरी मोमोस वगैरह भी मिल जाएंगे। प्राइजेस बढ़ के नहीं है इसके, एक मोमो का प्राइस आपको 20 रुपीस है, 25 रुपीस में आपको चिकन मोमो वगैरह है, आपको चिकन करीस वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये देखिए, पूरा नॉन वेज सेक्शन है, पूरा नॉन वेज में आपको करीस वगैरह मिल जाते। चिकन रोल्स वगैरह है अपने को, बहुत सारे चीज़ें हैं, फ्रेश एंड हाइजीन है, जब का जब भी पैक करके दे रहे लोग, ये डेली बोल के डेली। इसमें क्या है अपने को, चीज़ बटर वगैरह, इंटरनेशनल चीज़ बटर, और जो है सो अचार वगैरह मिल रहा है यहाँ पे बॉक्सेस में है, और जो है सो अपने को लूज़ भी मिल रहा है अपने को, जैसे कि पर केजी 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, आप कितना चाहे उतना ले सकते। तो आपको गोंगूरा पिकल, और जो है सो अपने को
आम का अचार, नींबू का अचार, हर चीज़ मिल जाती है। सलाड्स वगैरह है, सलाड्स में जो है स्पाइसी सलाड्स वगैरह है अपने को, ये पूरे स्पाइसी सलाड्स वगैरह है। ये अपने को बॉक्सेस वगैरह में डाल के पैक करके टैग लगा के देते थे अपने को। इसके ये सेक्शन के अपोजिट में एकदम जो है आपको बिलिंग सेक्शन है, बिलिंग काउंटर्स वगैरह है, 7-8 काउंटर्स है, आप आराम से बिलिंग करा लेके बाहर जा सकते। तो गाइस ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में जो है मैं व्लॉग, थर्ड फ्लोर का पूरा फुल व्लॉग बना के डाल दिया था मैं। ये चीज़ और बटर है, इसके प्राइजेस वगैरह मैं बता रहा हूँ। तो ये नीचे सेक्शन में मैं व्लॉग बना के नहीं डाला था, इसलिए जो है फिर आप लोगों के लिए लुलू मॉल में आके नीचे फ्रेश मार्केट का जो है व्लॉग बना के डाल दे रहा हूँ। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमी पेशी रही तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस। ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है अपने को बर्फ़ में जो है रखे हुए है, ओपन अपने को जो है बॉटल्स वगैरह रखे हुए अपने को, उसके प्राइजेस वगैरह टैग लगे हुए है। पूरा इंटरनेशनल है गाइस, ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट में अपने को कैसा रहता वैसा, ये पूरा बर्फ़ है अपने को, ये पूरा ओपन रहता डिस्प्ले में अपने को मालूम हो जाता। ये नए नए वेराइटी है, एकदम नया नया वेराइटी है, हर चीज़ है अपने को लुलू मॉल फ्रेश मार्केट में नीचे, हर चीज़ पे आपको टैग रहेगा, हर चीज़ पे आपको 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 1 kg का प्राइजेस वगैरह भी रहता। आगे जो है आपको फ्रेश मार्केट में वेजिटेबल्स वगैरह भी है, फ्रूट्स है जैसे कि एप्पल्स है, और जो सो बहुत सारे चीज़ें हैं वहाँ पे, वो भी मैं बताता हूँ। ये पूरे काउंटर्स है अपने को, जैसे कि बिलिंग सेक्शन है, पूरा बिल्स वगैरह करा सकते हैं अपन। ये देखिए पूरा इंटरनेशनल है, बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं आपको लुलू मॉल में। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तो आप देख लिए, थर्ड फ्लोर देख लिए, फोर्थ फ्लोर देख लिए। ये नीचे ग्राउंड सेक्शन में जो है आपको ज़बरदस्त बेहतरीन चीख मार अंगार चीज़ें हैं पूरे। ये पूरी नई वेराइटी है बिल्कुल, आपको पिकल्स वगैरह है, और जो है सो एप्पल सलाड, स्पाइसी सलाड, एप्पल विथ मिंट सलाड, ये पूरे सलाड्स वगैरह है, स्पाइसी है, नॉन स्पाइसी है, और एकदम जो है ऑलिव का भी आपको जो है सलाड्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। ये पूरे जो है वही है अभी तो गाइस, ये वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स में आपको बैंगन वगैरह है अपने को, 3 वेराइटी है इसमें, और जो है सो भिंडी, हर चीज़ अपने को जो तरकारी में रहती है भिंडी तरकारी, और जो है सो फ्रेश है एकदम, ऐसे ऐसा नहीं है कि जो कुछ ख़राब है। लेमन वगैरह है, नींबू वगैरह है, तो इसमें रेड मोटी मिर्च अपने को जो आती, मोटी मिर्च वगैरह है इसमें। कैप्सिकम में आपको 3 कलर्स वाला मिल जाएगा, येल्लो, रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन तो अपन देखते, येल्लो थोड़ा, येल्लो भी मिल जाता अपने को महिदीपट्टनम मार्केट में गए तो अपने को येल्लो भी मिल जाता, यहाँ पे स्पेशली लेके आके और ला अरेंज करे। तो गाइस बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ा, यहाँ पे वीडियो लेने नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा कट करके बनाना पड़ा। और क्यों बोले तो मैनेजर वगैरह आके रोक रहे थे वीडियो नहीं बनाना बोल के, तो उस पर रेट्स वगैरह रहते, आप रेट्स भी देख सकते, हर चीज़ पे रेट टैग वगैरह रहता आपको। छोटे अपने को डीमार्ट में जैसा काउंटर्स वगैरह रहते, साइड में आपको पैकिंग कवर्स वगैरह रहते, आपको जितना चाहे उतना 1 kg 2 kg अपन
डाल के वहाँ पे रैप करा लेके वेट चेक करा के टैग दला लेना रहता। ये फ्रूट सेक्शन है, फ्रूट्स में आपको हर चीज़ मिल जाती, संतरा, मौसम्बी, संतरा भी जो है आपको अच्छा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा, 289 रुपीस पर केजी है। मौसम्बी 74 रुपीस केजी है। और जो है सो आपको, और जो है सो आपको कीवी है, ड्रैगन फ्रूट वगैरह है, 219। ड्रैगन फ्रूट में अपने को जो है राउंड ड्रैगन फ्रूट है, और अपने को बाहर जो मिलता मार्केट में वो वाला भी मिल जा रहा अपने को, 219 रुपये किलो। संतरा है, खजूर में तो इतनी वैरायटी है, अजवा खजूर, छोटा खजूर, बड़ा खजूर, बहुत सारे जो है खजूर की वैरायटी है। इसके प्राइजेस वगैरह अपने को टैक्स वगैरह रह जाते। तो गाइस एक ही जगह इतनी चीज़ा मिलना बोले तो बहुत बड़ी मुश्किल है, मगर फिर भी लुलु मॉल में जो है नीचे फ्रेश मार्केट में हर वो चीज़, हर आपको जो है जैसे जितना क्वांटिटी चाहिए उतना मिलता आपको। जैसे कि आपको 500 ग्राम ही पैक करके नहीं है, लूज़ में भी है, पैकिंग में भी है। तो नीचे लुलु फ्रेश मार्केट में जो है थोड़ी देर घूमने के बाद 2-3 वक्त जो है आके अपने को मैनेजर सुरुकाय में फिर बाहर निकल के थोड़ा बाहर भी वीडियो शूट करा, फर्स्ट फ्लोर पे, थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे। तो अभी पब्लिक स्टार्ट हो रही थी, मैं एग्जैक्ट जो है 11 o'clock को आ गया था मैं वहाँ पे। तो इस बार गैस मैं बाइक पे आ गया था, लास्ट टाइम जो है अपन मेट्रो से आया था, मैं इस वक्त जो है बाइक पे आ गया था, मैं फास्ट आ गया बिल्कुल, ट्रैफिक थोड़ा कम थी। तो अभी क्राउड स्टार्ट नहीं हुआ था यहाँ पे, नहीं तो दुनिया का क्राउड रहता, आप यकीन नहीं मानते। कहीं रुक के फ़ोटो वीडियो नहीं निकाल सकते, एक फ़ोटो निकाले तो 1,000 आदमी आ जाते उसके अंदर, अगर वीडियो आप बना रहे हैं बोले तो 2-3 हज़ार लोग तो पक्का आ जाते। तो अभी भी क्राउड वैसी ही है, पब्लिक फुल है। जब मैं लुलु मॉल से बाहर निकल रहा था जब जो है क्राउड बढ़ गया, इसलिए मैं वीडियो शूट करने के लिए सुबह में जो है 10:30-11 o'clock तक वहाँ पे आ गया। अगर आपको कोई चीज़ परचेस करना है सुबह सुबह 10-11 बजे आप आ जाइए, आफ्टरनून लंच टाइम तक आप पूरा ख़रीद ले सकते हैं। नीचे फ्रेश मार्केट में आपको जो है बिरयानी वगैरह मिल जाती है, ऊपर फोर्थ फ्लोर पे लाके वेटिंग एरिया है, वहाँ पे बैठ के अपन खा सकते हैं। जैसे कि फूड सेक्शन वगैरह वहाँ पे भी है, वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। नीचे पूरी शॉपिंग वगैरह है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पूरा शॉपिंग वगैरह है अपने को। फोर्थ फ्लोर में किड्स जोन है, थर्ड फ्लोर में आपको खाने पीने के आइटम्स वगैरह मिल जाते। ये पूरे जो है फोर्थ फ्लोर का अपने को नीचे ग्राउंड फ्लोर में फ्रेश मार्केट वगैरह है। तो गाइस बहुत बड़ा मॉल है ये लुलु फ्रेश मार्केट। तो गाइस ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है नए शूज़, चप्पल, लेडीज़ का जो है अपने को TW जो है शूज़ का शोरूम है, चप्पलों का नए नए मॉडल्स है इसमें, नई नई वेराइटी है एकदम, जो है अपने को गुजरात की कंपनी है ये। तो ऐसे ही देख लेते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वगैरह घूम के आ गया मैं। फ्रेश मार्केट में क्या है, ज़्यादा लोग नहीं रहने की वजह से मैनेजर्स वगैरह आके मेरे को रोक रहे थे व्लॉग नहीं बनाना यहाँ पे, वीडियो नहीं बनाना बोल के। फिर भी मैं जो है कोशिश करके जैसा भी बना लिया मैं। तो क्राउड भी बहुत था ऊपर, और फ्रेश मार्केट में और थोड़ी चीज़ें हैं बताता हूँ आपको, देखेंगे चलिए।
तो गाइस देखे ना, एक ये छोटा सा एक लूलू मॉल का ब्लॉग था नीचे फ्रेश मार्केट का। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतने आइटम्स थे, जितना भी बोलो उतना कम है। आप देख सकते हैं वीडियोस में एप्पल्स वगैरह है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट है, हर चीज़ मिल जाती है आपको लूलू सुपर मॉल में। तो आइए एक बार विज़िट करिए आप सुपर मॉल को, जो है मॉर्निंग 10 o'clock से 2 o'clock तक शॉपिंग फिनिश करके निकल जाइए, नहीं तो इतना क्राउड रहता है यहाँ पे, क्राउड बर्दाश्त से बाहर हो जाता है आपको। अगर फ्री टाइम में आप आना है फेस्टिवल सैटरडे संडे मत आइए, सैटरडे संडे तो आपको बहुत क्राउड रहता। वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी वेराइटी है, आपको बता चुका हूँ मैं। वेजिटेबल्स में जो है हर चीज़ मिल जाती, प्राइजेस टैग वगैरह लगे हुआ रहता। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा व्लॉग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा कमेंट्स वगैरह भी डालो भाई, ज़रा आखिरी चिन्हियाँ चीख मार कमेंट ना डालना ज़रा। अच्छा नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।